subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य की कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शो के अंदर एक खुशखबरी सभी फैंस को मिल चुकी है और वो खुशखबरी है करण और पिता की शादी जो कि दिखा दी गई है। जी हाँ, शो के अंदर करण पिता की शादी हो गई है और शादी के बाद की कहानी देखने के लिए आप फैंस बहुत ज़्यादा उतारू हो रहे होंगे और साथ ही साथ उत्सुक भी। लेकिन हम आपको बताएं, आने वाली कहानी में आप देखेंगे जैसे ही पिता घर प्रवेश करके लूथरा हाउस में पहुंचेगी, कुछ सदस्य उससे नफरत करेंगे तो कुछ सदस्य उससे प्यार। जहाँ पर सबसे बड़ा शौक इस बार ऋषभ को लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऋषभ प्रीता से प्यार करता है ये बात अब राखी भी जानती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रीता को भी पता चल गया है। लेकिन हम आपको बताएं, जैसे ही प्रीता अपने घर के अंदर यानी अपने ससुराल के अंदर पहुंचेगी, ऋषभ की निगाहें अभी भी प्रीता को उसी तरह से देखेंगी जैसे वो उससे प्यार करता हो और ये बात बिल्कुल भी प्रीता को पसंद नहीं आएगी। और प्रीता सरेआम ही ऋषभ को डांट लगाते हुए कह देगी कि मैं अब आपकी बहू और आप मेरे जेठ हो, इसलिए आप मुझ पर इस तरह की नजरें ना रखें। जिस तरह से प्रीता ऋषभ को जवाब देगी, ऋषभ के लिए बहुत ही शॉकिंग होगा। अब ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाली कहानी में ऋषभ किस तरह से रिएक्ट करने वाला है प्रीता और करण की शादी को लेकर, और साथ ही साथ करण प्रीता की शादी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। पर जो भी होगा, आने वाले एपिसोड में इस बात की जानकारी लेकर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज निशुल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।